दोस्तों बहुत ज्यादा डिमांड के बाद मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये कॉलेज कैसा है, इंटरनल बातें क्या है इस कॉलेज का, क्या ये सच में बिहार का सबसे सस्ता कॉलेज है या सिर्फ ये दिखावा है। जी सही सुन रहे हो, पूरा बात करेंगे किसका फी स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ्स क्या रहेंगे 23 में, और क्या आपको एडमिशन का चांस है या नहीं है, अगर कम स्कोर है तो क्या हो सकता है, ए टू जेड डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, ये प्रॉमिस करके पूरा वीडियो देखना है आपको। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो ये जो वेबसाइट है वो है matagujariuniversity.com। जी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देख रहे हो ये कॉलेज का बिल्डिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे आपको कि इसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। नीट बच्चा जो भी क्वालिफाई है वो काउंसलिंग कर सकता है बिहार स्टेट का, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट बिहार में एमबीबीएस का काउंसलिंग कर सकते हैं क्योंकि बिहार एक ओपन स्टेट है। हाँ जी, और माता गुजरी मेडिकल कॉलेज जो है वो सिख माइनॉरिटी का कॉलेज है। जी सिख, जी आप यहाँ पे सही सुन रहे हो, और ये किशनगंज में बिहार में है। अगर पटना से डिस्टेंस पूछोगे आप किसी भी स्टेट के हो तो मान के चल सकते हो 7 to 8 hours लग जाएंगे आपको जाने से, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छा है, लोकेशन कह सकते हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये गारंटेड मैं कह सकता हूँ। सबसे पहले बात कर ले, ये कॉलेज जो है वो ट्रस्ट के थ्रू चलता है। जी ट्रस्ट चलाता है क्योंकि पैसे तो भी तो लेने हैं। यहाँ पे देख सकते हो सिख रिलीजियस माइनॉरिटी ट्रस्ट के थ्रू चलता है। ये 1999 का कॉलेज है। जी प्राइवेट में ये सेकेंड ओल्डेस्ट कॉलेज है, इसके पहले कटिहार है और 1919 का ये सेकेंड ओल्डेस्ट कॉलेज है। अभी अगर हम लोग बात कर ले तो ये इसके पास एमसीआई का रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, ये बिहार का दूसरा रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब हो गया कि अगर कोई महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट बिहार में आके स्टडी कर लेता है और बिहार में स्टडी करने के बाद वापस अपने स्टेट जाता है तो वहां पे प्रैक्टिस कर सकता है, दवाई लिख सकता है। बात को समझ रहे हो, उसको बाउंडेशन नहीं रहेगा कि सिर्फ इसी स्टेट बिहार में उनको रहना पड़ेगा। इसलिए मैं सजेशन हमेशा देता हूं कि अगर आपका स्कोर ठीक है, बजट ठीक है, तो कोशिश करें रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में एमबीबीएस करने का। सही है मेरे दोस्त, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं फी स्ट्रक्चर के तरफ में। ये जो फी स्ट्रक्चर है दोस्त मेरे, ये है आपको मेरिट फीस, जिस बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा होगा हम आगे बात आपको करेंगे। 9,63,000 पर ईयर फीस है, इसे 10 लाख रुपया के रेंज में मान के चल सकते हो पर ईयर। 9,63,000 पर ईयर है, चाहे वो सिख से हो या नन सिख हो। हाँ जी सही सुन रहे हो, अगर बात कर ले तो 2 लाख रुपया पर ईयर हॉस्टल फीस है मेरे दोस्त, वो भी सारे 5 साल के लिए हॉस्टल देना है। बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे ही हॉस्टल का बता देते हैं, 4 साल का जोड़ देंगे और आपको कहेंगे कितने में हो जाएगा। नहीं भैया, एक्चुअली ये संस्था है नहीं कॉलेज, ध्यान से देखना, 1 लाख रुपया खाली मेस चार्ज है भाई मेरे, टोटल मिलाओगे तो 3 लाख रुपया तो खाली यही है, और 3 × 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 3×5=15 × 16.5 लाख रुपया ऐसे ही दिख रहा है खाली आपको हॉस्टल और मेस मिला के। यहाँ पे समझ रहे हो, इतना आसान नहीं है। चलो 2 लाख रुपया का स्टूडेंट एमिनिटीज का चार्ज है, जिसका स्पोर्ट्स और जिम कह सकते हो, तो फिर जोड़ लो, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है 16 और ईयर भी 5.5 साल के लिए लग जाएगा, तो 10-11 लाख रुपया ये मान के चल सकते हो। 16-11 कितना होता है, 27-28 लाख रुपया, तो बस ये 3 में दिख रहा है, ये 3 में। बात को समझ रहे हो, तो सिर्फ दिखने में ऐसा है, ऐसा नहीं कि ये कम फी स्ट्रक्चर का है। ओवरऑल मेरे से बात पूछ लोगे तो ये लगभग में 70 को टच करता है, 70 लाख रुपया को ये टच कर जाता है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज। जी सही सुन रहे हो, अब हम आगे बात कर लेंगे कि इसमें सीट्स कितने हैं और कटअप्स क्या हो सकते हैं 23 के। मेरे दोस्त इसमें सिख माइनॉरिटी के ओनली 30 सीट्स है, अगर आप सिख से है तो 30 सीट्स आपके हैं। जेंडर कैटेगरी, जो भी बच्चा हिंदू मुस्लिम कोई भी हो अदर, तो उसके लिए 55, टोटल 100 सीट्स अवेलेबल है, और एनआरआई कोटा के लिए 15 सीट्स अवेलेबल है। जो बच्चे का कम स्कोर होता है वो इसके थ्रू भी एडमिशन माता गुजरी में करवा सकते हैं।
सबसे पहले बात कर देते हैं कि आपको लगभग एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगा। जनरल बच्चों के लिए मान के चल सकते हो, जो जनरल क्वालिफाई बच्चा होगा वो 490 से लेके 500 बीच में ये स्कोर रहेगा, तो 23 में ये बच्चा 100% इसमें सीट मिल जाएगा, 490 से 500। अगर आप सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपका स्कोर 250 से लेके 300 के बीच में है, तो ये सिर्फ 100% सेफ हो कि आपको सीट माता गुजरी में मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एनआरआई कोटा से जस्ट क्वालिफाई हो, अगर 107 हो या 137 हो जनरल से, और ओबीसी से अगर ये हो तो आपको एडमिशन माता गुजरी में मिल सकता है। कितने बजट होंगे आप दिए गए नंबर पे बात करें, और क्या एक्सपेक्टेड आपको बजट टोटल पे करना पड़ सकता है इसका भी बात हमारे दिए गए नंबर पे जरूर बात करके पूछ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी का। मेरे दोस्त, इसका लाइब्रेरी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें 1600 स्क्वायर फीट का लाइब्रेरी है। इसमें फॉरेनर्स जो होते हैं वो बुक्स वगैरह टाइमिंग वगैरह यहाँ पे सब मेंशन है। कैंपस में बॉयज हॉस्टल अलग से है, गर्ल्स हॉस्टल अलग से है। अगर आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है तो यहाँ बड़ी आसानी से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें एमबीबीएस का बहुत सही है, इसमें पीजी सीट भी अवेलेबल है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एमडीएमएस का भी सीट इसमें अवेलेबल है। मेडिकल हॉस्पिटल तो है ही, जिम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, इंडोर के आउटडोर गेम्स, ये सारे चीज इंफ्रास्ट्रक्चर आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे जो बेडेड हॉस्पिटल है वो लगभग में 700 बेडेड हॉस्पिटल है, तो 700 बेडेड हॉस्पिटल अगर ऑक्यूपेंसी पूछोगे तो लगभग में 95% ऑक्यूपेंसी होती है, मतलब हमेशा पेशेंट यहाँ रहते ही रहते हैं। मजाक वाला बात नहीं है कि 2-4 पेशेंट को बुला के कॉलेज खोल लिए, ऐसा यहाँ कोई बात नहीं है। एक बिहार का तगड़ा कॉलेज कह सकते हैं माता गुजरी मेडिकल कॉलेज मेरे दोस्तों। और डेली पेशेंट फ्लो की बात कर दोगे तो 1200 से 1300 ये बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो होता है मेरे दोस्त। आपको तो 2-4 पेशेंट मिल जाए तो उससे सीख लोगे, तो बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो है। बहुत सारे भी इंडिया के मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पे 20-25 पेशेंट आते हैं और अपने आप को मेडिकल कॉलेज कह देते हैं, तो भाई उससे बचो, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने का कोशिश करो। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट में बताएंगे, और ये भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि आपको इसमें एडमिशन का क्या क्या तरीका हो सकता है। ऑप्शन भी अच्छे लग रहे हैं। मिलता है अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।